हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जेएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर की, उनके लिए मैंने न्यूट्रिशन का क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग वाइटामिन पहले देख रहे हैं। वाइटामिन में मैंने जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए बी और वाइटामिन ए बी ई और के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और विटामिन सी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे आज बी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें नर्सिंग से रिलेटेड सारा अपडेट आपको मिल जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग से जितना न्यूज़ होता है और जितनी वैकेंसी निकलती है ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट से, वो सारे इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो बेल आइकन होते हैं उसको भी ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो दिखे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन हमने कंप्लीट कर लिया है। ए बी ई और के जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज देखेंगे हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आर फाउंड इन इज ग्रेन, राइस, वेजिटेबल, फिश एंड मीट। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो किससे किससे मिलते हैं हमको, राइस हो गया, ईस्ट हो गया, ग्रेन, ठीक है, वेजिटेबल, फिश एंड मीट, ये सारी चीज़ें हमको विटामिन सी बी और सी दोनों मिलते हैं, यानी कि वाटर सोलेबल विटामिन। दीज आर एसेंशियल को एंजाइम रिक्वायर्ड इन एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म। जो एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म, जो साइकिल हमारे बॉडी में चलते हैं, ठीक है, उसमें एनर्जी को रिलीज करने में जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनका डाइजेशन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने में ये क्या करते हैं, जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक विटामिन का फंक्शन, उसमें हमको आगे और पता चल जाएगा अच्छे से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको फैट सोल्युबल विटामिन का क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दे आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया। फिर उससे क्या मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है, और ये जो एनर्जी एनर्जी साइकिल से होकर आती है, ठीक है। तो उसमें भी विटामिन, जो वाटर सोलबल विटामिन होता है, उसका बहुत ही रोल होता है। यहाँ पे देखिए, वाटर सोलबल विटामिन जो होते हैं, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथियोनिक एसिड, B6 है पायरिडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालामाइन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कोबालामाइन। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये नीचे में है विटामिन सी, ठीक, ये है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो है पूरा बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन, और ये विटामिन सी किसके अंदर आते हैं, वाटर सोलेबल विटामिन के अंदर। तो फिर हम लोग देखते हैं B1 विटामिन थायमिन क्या होता है। तो विटामिन B1 थायमिन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीबेरी बेरी फैक्टर, एंटीन्यूरेटिक फैक्टर एंड एन्यूरिन। इसको क्या क्या बोलते हैं, एंटीबेरी बेरी फैक्टर, आप लोग सब जानते हैं कि बेरी बेरी जो होती है, 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन B1 की कमी यानी कि थायमिन की कमी से क्या होती है, बेरी बेरी। तो इसको एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी बोलते हैं, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, और एन्यूरिन भी बोलते हैं विटामिन B1 को, यानी कि थायमिन को। तो सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ अ सल्फेटेड पायरिमिडिंग रिंग। और ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सल्फेट से बने होते हैं, सल्फेट के पायरिमिड रिंग से बने होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फेट दोनों हैं, इसलिए इसको सल्फेटेड पायरिमिडिंग रिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज थायमिन बट इट इज सिंथेसाइज ओनली इन बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट्स। जो सभी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, थायमिन का यूज़ करते हैं। और थायमिन कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट से। जैसे हम भोजन करते हैं उससे मिलता है, बैक्टीरिया हो गई, फंगाई होंगी, प्लांट्स, ये सारी चीज़ से क्या होते हैं, हमको थायमिन मिलते हैं। और थायमिन कौन से फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, ठीक है, पिरामिड फॉर्म में। फिर देखते हैं,
कंटेन्स सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप। और ये क्या कैसे बने होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन, ये मैंने पहले बताया था, ये नाइट्रोजन रहा और ये सल्फर रहा। तो सल्फर और नाइट्रोजन की पिरामिड रिंग से क्या बनते हैं, थायमिन, ठीक है, विटामिन बी वन या थायमिन। फिर डिस्ट्रॉयड बाय अल्कलाइन हीट, और ये जो साइकिल है, मतलब ये जो हमारा थायमिन होता है उस किसके द्वारा, उसको हीट हीट करने से, गर्म करने से वो डिस्ट्रॉय होता है, या तो अल्कलाइन मिलाने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कोएंजाइम थायमिन प्रोफॉस्फेट, और इसका कोएंजाइम क्या है, थायमिन प्रोफॉस्फेट TPP। फिर यहाँ पे देखिए डाइट सोर्स ऑफ विटामिन बी वन, तो कौन कौन से डाइट है जिससे हमको विटामिन बी वन यानी कि थायमिन मिलते हैं, तो यह देखिए टूना, सनफ्लावर सीड, वाइट बीन्स, ब्लैक बीन्स, ड्राइड एंड फॉरेजन पीस, फ्रेश पीस, बॉल्टी बीन्स और ग्रीन बीन्स, सीसेम सीड। तो इतने सारे जो सीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सबसे क्या मिलते हैं, ये जो है भरपूर मात्रा में थायमिन बी वन हमको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे देखिए डेली रिकमेंडेशन क्या क्या होते हैं मैन वुमेन और चाइल्ड चिल्ड्रन पे, तो जो मैन होते हैं उसको डेली 1.3 mg क्या होती है, विटामिन बी वन यानी कि थायमिन की नीड्स होती है। वुमेन को 1.0 mg, प्रेगनेंट वुमेन को और लैक्टेशन जो मदर होते हैं उनको 2 mg पर डे, और जो चिल्ड्रन होते हैं उसको 1.1 mg पर डे। तो ये रहा डेली रिकमेंडेशन ऑफ विटामिन बी वन थायमिन का। फिर देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ थायमिन, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कैर्ब्स साइकिल है, जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी के लिए जो साइकिल पाथवे बना होता है, ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग थायमिन है, थायमिन से ही क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करने, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोए, जो थायमिन है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है पाइरूवेट को एसिटाइल कोए में। फिर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द कर्व साइकिल, ये जो है कर्व साइकिल है, ठीक है, विच अलाउ द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये क्या करते हैं, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, कौन, थायमिन। थायमिन क्या करता है, सबसे पहले पाइरूवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है, और ये जो है कर्ब साइकिल में होता है, और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल पे। फिर देखते हैं द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लुटरेट टू सुसाइनाइल कोए, और जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होते हैं उसको सक्सिनिल को ए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो सक्सिनिल को ए होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट को, कौन करता है, थायमिन की प्रेजेंट पे होता है, ठीक है। फॉर द कर्व साइकिल टू कंटिन्यू स्पाइनिंग विथआउट विटामिन बी वन द सेल वुड स्लो कॉज इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, अगर यहाँ पे थायमिन नहीं रहा तो क्या होगा, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। फिर यहाँ पे देखिए सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक, जो हमारे न्यूरॉन्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं उसका सिंथेसिस किससे होता है, थायमिन यानी कि विटामिन बी वन से ही होता है। फिर ये कन्वर्ट करता है पाइरूवेट को स्टाइल को एंजाइम में, ठीक, जो हमने फर्स्ट लाइन पे जो हमारा लिखा हुआ है, थायमिन इज़ अ मेटाबोलाइज्ड टू इट्स एक्टिव फॉर्म, और ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में क्या करता है, मेटाबोलाइज्ड करता है, मतलब थायमिन जो है मेटाबोलाइज होता है एक्टिव फॉर्म में। TPP का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये कि थायमिन पाइरूफॉस्फेट, ठीक, ये है डिपेंडिंग मैनर। फिर ये यहाँ पे आप जो साइकिल देख रहे हैं, ये जो है कैप साइकिल, ये जो है एनर्जी साइकिल होते हैं, यहाँ पे थायमिन के प्रेजेंट में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप लोग BSc नर्सिंग और JNM नर्सिंग की फर्स्ट ईयर क्लास और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये सब ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये जो नोट्स है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री की क्लास देख रहे हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर इसको चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये साइकिल को आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये रहा मैनिफेस्टेशन ऑफ थायमिन। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ थायमिन, कि थायमिन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है थायमिन का, विटामिन बी वन इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग
कार्बोहाइड्रेट इंटू एनर्जी। जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हम भोजन करते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उसका सबका डाइजेशन करता है, यानी कि उसका मेटाबोलाइजेशन करता है और किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी पे। ठीक है, ये किसका काम होता है? थायमिन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ थायमिन इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेरीबेरी। और ये किसका ट्रीटमेंट करता है? बेरीबेरी, अ कंडीशन कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ थायमिन इन द डाइट। और ये कब होते हैं बेरीबेरी? अगर हमारे भोजन में थायमिन की, विटामिन B1 की कमी हो रही है, तब क्या होती है? बेरीबेरी होती है। और ये जो विटामिन B1 है वो बेरीबेरी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। सिम्टम इंक्लूड स्वेलिंग। क्या क्या होते हैं बेरीबेरी में देखते हैं हम लोग? स्वेलिंग आ जाते हैं, टिंगलिंग होते हैं, और बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड एंड फीट। जो हमारे हाथ पैर होते हैं उसमें क्या होते हैं? टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, स्वेलिंग्स आ जाते हैं कभी कभी, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी एंड ब्रीथिंग। कन्फ्यूजन आते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक, सांस लेने प्रॉब्लम होंगी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे पर्सन जो है। ये सारी जो प्रॉब्लम किसका है? बेरीबेरी का। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाकर जरूर टेस्ट कराइए, उनके में थायमिन की डिफिशियंसी आएगी, फिर थायमिन का जो है ट्रीटमेंट और डाइट में थायमिन रिच डाइट उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट आई होप कि आप लोग को समझ आया हो। फिर देखते हैं विटामिन B1 हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ नर्व सिस्टम। और ये क्या करते हैं? हेल्दी नर्व सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं विटामिन B1 जो होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सिंथेसिस करता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जो केमिकल होते हैं नर्व्स में, उसका सिंथेसिस करता है, इसलिए हेल्दी नर्व सिस्टम मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फिर विटामिन B1 इज़ अ नेसेसरी फॉर हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, सेल टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, उसको भी हेल्दी बनाए रखता है, नरिश करके रखता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और क्या करता है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सब का डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोड्यूस स्ट्रेंथ टू मसल, और जो हमारे मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। और साथ साथ ये हार्ट के भी प्रॉपर फंक्शनिंग में भी क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। कौन? थायमिन। ठीक है, ये जो है हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम क्या? थायमिन, या इनकी विटामिन B1। तो ये देखिए, सारे ऑर्गन में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्ट फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, और क्या करता है कि जो बेरीबेरी होती है उसे प्रिवेंट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को मैनेज करता है। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मेन जो फंक्शन होता है न्यूरोट्रांसमीटर की होती है, तभी हमारा मेंटल फंक्शन भी, जो ब्रेन का फंक्शन है वो भी ठीक रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेन रोल हमारे बॉडी में किसका रहता है? थायमिन का। फूड डाइजेशन भी करता है, मसल को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ठीक रखता है। तो सारा ऑल फंक्शन, मतलब जो थायमिन का जो बहुत ही रोल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये रहा आज का थायमिन का क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विटामिन B2। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है विटामिन B1 थायमिन वो समझ आई होगी। अगर समझ ना आए या कोई भी और डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।